नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिलेश्वर विजय है। मैं इटरनल हॉस्पिटल जयपुर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मिनिमली इन्वेसिव बेरियाट्रिक सर्जन एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पे कार्यरत हूँ। देखिए, गैस्ट्रो सर्जरी जनरल सर्जरी का एक ब्रांच है जो धीरे धीरे सेपरेट होता चला गया है। सी, जनरल सर्जरी एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें सभी तरह की सर्जरी का बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पेशलिटी को फर्दर डेवलप करने की नीड पे गवर्नमेंट ने सभी ब्रांचेस, जैसे आपने कार्डिक सर्जरी सुना, न्यूरो सर्जरी सुना, यूरोलॉजी मतलब जो यूरिन के डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं पेट और अपने खान पान से, भोजन से संबंधित बीमारियों के लिए जो उपचार करते हैं और उनकी अलग से ट्रेनिंग ली जाती है, उन्हें गैस्ट्रो सर्जन कहा जाता है। जैसे कि आहार नाल की अंदर होने वाली बीमारी, हमारे आमाशय या जठर या जिसे हम हिंदी में आम भाषा में स्टमक कहते हैं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की बीमारी, लीवर हो गया, पित्त की थैली हो गई उसमें होने वाली पथरी या कोई गांठ, या पित्त की नली जिसमें पथरी हो या और किसी तरह की बीमारी हो, स्प्लीन यानी तिल्ली से संबंधित या छोटी या बड़ी आंत से संबंधित, चाहे उसमें घाव हो, चाहे उसमें गांठ हो, चाहे किसी और तरह के रोग हो, उन सभी रोगों के निदान और उपचार के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो उन्हें गैस्ट्रो सर्जन कहते हैं। देखिए, सर्जरी धीरे 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 इवॉल्व हो रही है। जैसे हम हर चीज़ के बारे में देखते हैं, मेडिकल साइंस पे इवॉल्व हो रही है, हमारी नॉलेज एक ह्यूमन बॉडी के बारे में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही सर्जिकल स्किल्स भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। कुछ टाइम पहले तक आपने हमेशा ये सुना होगा कि सारे ऑपरेशन बड़े बड़े चीरे लगा के करे जाते हैं, जिसके बाद मरीज को काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना होता है। बहुत पेनफुल ये प्रक्रिया हुआ करती थी और इस प्रक्रिया के बाद मरीज की रिकवरी में बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, सर्जरी के बारे में डॉक्टर्स को ज़्यादा नॉलेज पता लगने लगा, आजकल होने वाली बहुत सारी सर्जरियाँ मिनिमली इन्वेसिव यानी दूरबीन या छोटे छोटे चीरों के माध्यम से करी जानी संभव हो गई है। इसका मरीज को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि शरीर में बहुत बड़े चीरे नहीं लगाने पड़ते। जो ऑपरेशन बड़े चीरे लगाने के बाद किए जाते थे, वही ऑपरेशन बहुत मामूली छोटे छोटे चीरों से या दूरबीन के माध्यम से कर पाना संभव हुआ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मरीज को मिला है कि मरीज़ की रिकवरी फास्ट हुई है, के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आने लगे हैं, उनकी रिकवरी फास्ट है, वो अपना शेड्यूल डेली रूटीन वापस जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉस्मेटिकली एज वेल एज दर्द जो होता है सर्जरी के बाद, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट आराम मिला है। देखिए, डे केयर सर्जरी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट विदेशों में बहुत लंबे समय से है और ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर भी हुआ है, बट दुर्भाग्यपूर्वक परिस्थिति है कि हिंदुस्तान में ये अभी इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया है। डे केयर सर्जरी का मतलब होता है कि पेशेंट जो बहुत छोटी छोटी बीमारियों के हैं, जैसे पित्त की थैली के, हर्निया के या अपेंडिक्स के या जो सरफेस की होने वाली बीमारियाँ हैं, उनके ऑपरेशन के लिए भर्ती हों, ऑपरेशन कराएँ और उसी दिन शाम को उनको छुट्टी मिल जाए, ये डे केयर सर्जरी होती है। इस डे केयर सर्जरी में जो पेशेंट को फ़ायदा होता है कि उनका हॉस्पिटल में स्टे कम से कम होता है और उनकी रिकवरी में उनको घर का माहौल और घर का आराम मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान में इस पद्धति को विकसित होने में जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है वो है, पहली, हमारे प्रोटोकॉल सेट ना हो पाना, दूसरा, मरीज और उनके रिश्तेदारों को बीमारी और उसके बारे में पूरी तरह से समझ कर ना हो पाना, और तीसरा, मेडिकल सुविधाओं का या छोटी जो आवश्यकताएं हैं उनका घर पे पूरा ना हो पाना। तो ये तो थी डे केयर सर्जरी की बात। अब आपने जो सवाल पूछा है, फास्ट ट्रैक सर्जरी क्या होती है। देखिए, फास्ट ट्रैक सर्जरी का कंसेप्ट क्या है, फास्ट ट्रैक सर्जरी ये है कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व हुई है, हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि पेशेंट जिनका हॉस्पिटल में स्टे बहुत ज़्यादा लंबा होता रहता है, वो हॉस्पिटल में दूसरे इन्फेक्शन से या हॉस्पिटल में होने वाली प्रॉब्लम से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो आजकल पेशेंट्स को, जैसा आप नोटिस करेंगे कि कैसी भी सर्जरी हो, कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, उनको जल्दी चलाना, उनको जल्दी खाना देना, उनके जल्दी डिस्चार्ज करना, वो उनको दूसरी बीमारियों से और हॉस्पिटल में होने वाली तकलीफ़ों से, क्योंकि हॉस्पिटल के वातावरण में हमेशा के समय हज़ारों और की संख्या में रोगाणु रहते हैं जो किसी भी दवाई से नहीं मरते। तो पेशेंट को जितना जल्दी हम उनको रिकवर करा के घर भेज पाएँ, वो उनके पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए बेहतर रहता है। यही फास्ट ट्रैक सर्जरी कहलाती है।
सी देखिए, हमारा देश अभी इस समय जिस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा रूबरू हो रहा है वो है मोटापे की प्रॉब्लम। पूरी दुनिया में हमारे देश में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मोटे लोगों की उपस्थिति है, और ये अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग मोटापे को बीमारी नहीं मानते हैं। आम भाषा में सबको ये लगता है कि मोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटापे में शरीर की सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, जो वसा या चर्बी शरीर पे जमा हो रही है वो बाहर ही नहीं, शरीर के आंतरिक अंगों पे भी जमा हो रही है, वो चाहे खून की नसें हों, चाहे दिल हो, चाहे लीवर हो, चाहे और दूसरे अंग हो, और ये वसा धीरे 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 शरीर के अंदर के हिस्सों को खराब करने लगता है, और इस मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियों के होने का डर बना रहता है, जिसमें हृदयघात, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, लकवा, मोटापे से होने वाले लीवर के फेलियर जिसे हम NFLD बोलते हैं, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है, डायबिटीज का होना, बीपी का बढ़ना, और हार्मोन का इंबैलेंस होना, और हाइजीन का यानी साफ सफाई का ना मेंटेन कर पाना, और डिप्रेशन का शिकार होना, ये सब मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं। बट दुर्भाग्य से हम इसे बीमारी नहीं मानते हैं। मोटापा एक वैश्विक रूप से फैलने वाला रोग है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके पीछे जो मुख्यतः कारण है हमारा व्यायाम ना करना और हमारी दैनिक दिनचर्या जिसमें हम वसायुक्त या पैकेट वाले जो फूड हैं उनका इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं। नेचुरल फूड और सब्सटेंस का लोगों ने सेवन कम कर दिया है। इस मोटापे की वजह से जो बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों की रोकथाम के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत कारगर तरीका साबित हो सकती है उन मरीजों को एक हेल्दी जीवन देने के लिए, लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी सभी मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया है कि पेशेंट मानसिक रूप से पूरी तरह वज़न कम करने के लिए उत्सुक है और प्रतिबद्ध है, और उसने हर तरीके से अपना वज़न कम करने की कोशिश करी और वो उस प्रयासों के बाद फेल हो गया, उसके बाद भी वो अपना वज़न नहीं कम कर पा रहा है, तो वो बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हो सकता है। वो उसकी बहुत सारे दूसरे पैरामीटर जैसे बॉडी मास इंडेक्स उन पर निर्भर करता है, लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये समझना है कि अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो बैरियाट्रिक सर्जरी भी कभी वज़न को लंबे समय तक कम रखने में सफल नहीं हो पाएगी। जो भ्रांतियाँ हैं वो सबसे बड़ी भ्रांति है कि इस ऑपरेशन में जोखिम बहुत ज़्यादा है। दूसरी भ्रांति है कि इस ऑपरेशन से मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता, वज़न थोड़े टाइम कम होगा, वापस वज़न बढ़ जाएगा। और तीसरी भ्रांति है कि इससे शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और मरीज़ कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापे का ऑपरेशन तभी किया जाता है जब मरीज़ के शरीर पर बहुत सारी बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है और मरीज़ को उन बीमारियों से होने वाले असरों की वजह से इवन मृत्यु का भय भी बढ़ता है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत कारगर तरीका हो सकता है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए। जो मन में मिथ है या भ्रांति है कि मरीज़ का वज़न वापस बढ़ जाएगा, तो जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मरीज़ अगर बैरियाट्रिक सर्जरी कराता है तो पहले मानसिक रूप से प्रतिबद्ध और दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि वो अपने खान पान में और व्यायाम में आने वाले समय में भी डॉक्टरी सलाह को मानेगा और उसी के आधार पर अपना जीवन बिताएगा और व्यायाम को रेगुलर अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएगा। अगर ये करेंगे तो मरीज़ का कभी भी वज़न दोबारा नहीं बढ़ेगा। रही बात कमज़ोरी आने की, बैरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद शरीर में जो अतिरिक्त वसा है वो गल के शरीर को ऊर्जा देती है और शरीर को चलाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा ना सिर्फ बाहर का वज़न कम होता है या चर्बी कम होती है, शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनकी भी चर्बी कम होती है। तीसरा भ्रांति है कि ये ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा है। देखिए, ऑपरेशन जोखिम भरा उन बीमारियों के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मरीज की पूरी तरह से ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उनकी सारी बीमारियों को असेस करना, उनको पूरी तरह से नॉर्मलाइज करना, ऑप्टिमाइज करके फिर ही पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाए तो हमेशा बेटर रिजल्ट मिलते हैं।